1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 5 साल तक उन्होंने भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब हमने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया, लेकिन उस समय भी श्री राजीव गांधी ने 1 घंटे तक संसद में ओबीसी के विरुद्ध, ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध भाषण दिया था। ये चरित्र कांग्रेस का है जो कभी ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थी, और आज वही काम कांग्रेस के समर्थन में बाकी राजनीतिक दल कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश के दलित और पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले। वास्तव में कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कह ही रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है और माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भूल गए कि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, लेकिन उनका मुस्लिम वर्ग से प्रेम जग जाहिर है। किस प्रकार से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी एसटी एससी ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालते हुए तुष्टिकरण की प्यासी कांग्रेस की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानबाजी उन्होंने की थी।